नीमच वार्ड नंबर 20 में जब से नई पाइपलाइन डाली गई है तब से क्षेत्र में रहवासी बूंद बूंद पानी को तरस गए। वार्ड रहवासी मोइनुद्दीन खान ने मीडिया को बताया कि नई पाइपलाइन को 4.5 महीने का वक्त गुजर गया लेकिन अब तक आधा मोहल्ला पानी को तरसता है। आज 2 दिन हो गए कई रहवासियों के घर में पानी तक नहीं है। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन में प्रेशर इतना कम आता है कि मोटर लगाने के बावजूद भी नल एक बूंद पानी नहीं उगलता। साथ ही मोटर चलने की वजह से लगभग 3,000 का बिजली का बिल भरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छी तो पुरानी पाइपलाइन थी, कम से कम पानी तो महसमर था। नई पाइपलाइन डालने के बाद तो वह पानी नहीं रहा। अगर यह पाइपलाइन नायका गली से जोड़ दी जाएगी तो पानी की समस्या हल हो सकती है। हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, जब से नए कनेक्शन हुए हैं हमारे घर में बिल्कुल पानी नहीं आता है। हमको रोजाना इधर उधर से पानी भरना पड़ता है। आज भी 3 दिन में 2 दिन में नल आए लेकिन एक बूंद पानी अभी तक भी नहीं आया। पानी भरे आ जाता है, बिना पानी कहीं बैठे रहे, जबकि हमारे बिल हमेशा एडवांस जमा रहते हैं। नगर पालिका के बिल हमारे एडवांस जमा रहते हैं, पानी नहीं बिल्कुल ना करना पड़ता है। लोगों को जब दूसरों का नल पानी भर जाता है तो उनसे बोलना पड़ता है, भाई आपका पानी भर जाए तो हमारा भरना है। हमको आस पास के लोग अच्छे हैं जो भरवा देते हैं, भाई हमारा भर गया। हमारे यहाँ जो नई पाइपलाइन डाली है उसके बाद पानी की बहुत समस्या आती है। पानी आधे मोहल्ले के बाद में प्रेशर आते ही नहीं, एक बूंद पानी आगे आधे मोहल्ले के अंदर नहीं आता जब से नई लाइन डली है। पुरानी वाली पाइपलाइन से जो इन्होंने वाल सिस्टम कर रखा था तो ज़माने में फिर भी पानी आ जाता था, और अभी ये नायकावली से अगर इसको जोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ पे ये पानी की समस्या का समाधान निकल सकता है। बाकी हम मोटरें चला के बैठे रहते हैं, आधे आधे घंटे तक खाली मोटरें चलती रहती हैं, 3,000 रुपये बिल भरते हैं लेकिन पानी की बूंद नहीं आती। यहाँ पे ठेकेदार को फ़ोन करते हैं, सेम हेल्पलाइन पे करते हैं लेकिन इस समस्या का कोई ठोस समाधान निराकरण होते ही। आप नगर पालिका अधिकारियों से कहते हैं वो बोलते हैं ठेकेदार को दे दिया है, क्या प्राइवेटाइजेशन हो गया है। उससे कहते हैं तो कभी फ़ोन उठाता है कभी नहीं उठाता है। सीएम हेल्पलाइन में करते हैं वो बोलते हैं कार्रवाई करेंगे लेकिन इसका कोई हमें अभी तक कोई निराकरण नहीं किया। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।